टर्स डिस्कस के ई e कॉमर्स और इ e बिजनेस में बेसिकली फर्क क्या है तो सबसे पहले ये समझें कि ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस देखने में बिल्कुल सिमिलर लगती हैं यानी इट लुक गुड या इट लुक सिमिलर व्हेन वी हेयर इट जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है हम एक ही बात कर रहे हैं हम, हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं मतलब जहां मैंने ई e बिजनेस बोलना है वहां मैं ई e कॉमर्स भी बोल सकता हूं और जहां मैं ई e कॉमर्स बोल रहा हूं वहां मैं ई e बिजनेस भी बोल सकता हूं दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन मतलब इट इज अ रॉन्ग थिंग ये दोनों इंटरचेंजेबल चीजें नहीं हैं दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट सुनने में लगती हैं कि सेम है यानी सुनने में हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे के एक दूसरे का सिनेम है हालांकि ऐसा नहीं है दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर नो आर नॉट इंटरचेंजेबल रीजन जो ई e बिजनेस है जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है इट इज डीलिंग विद बिगर चंक। ये एक है। वो पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली डील करते हैं ये उन सारी की सारी चीजों को एड्रेस करता है उसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आ सकता है कस्टमर कम्युनिकेशन भी आ सकता है कस्टमर रिलेशनशिप भी आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग uh, के जितने प्रोसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे मैनेज करने हैं वो सारी चीजें आ सकती हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है यूं समझे इट इज बिगर केक ये एक सुपर एक सेट है और जो ई e कॉमर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स uh, है इट इज अ स्मॉलर केक पीस ये उस बड़े केक का एक छोटा पीस है यानी इट इज जस्ट लाइक अ सबसेट फ्रॉम द फंक्शनैलिटी व्यू पॉइंट फंक्शनैलिटी व्यू पॉइंट से मेरी मुराद ये वेन एवर वी आर से है, कि कि मैं e की बात कर रहा हूं तो कवर ई कॉमर्स क्योंकि दिस इज बिगर चंक इफ आई एम रेफ़रिंग टू द बिगर केक आई एम आई एम इंक्लूडिंग द स्मॉलर केक लेकिन जिस वक्त मैं ई uh, कॉमर्स e की बात कर रहा हूं I am not covering electronic business. मैं को कवर नहीं कर रहा क्योंकि जो ई कॉमर्स इट इजर चंक इट इज स्पेसिफिकट टू की जब मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंडर एक्टिविटीज कर रहा हूं तो वो एक्टिविटीज ई कॉमर्स में भी इंक्लूड हो सकती हैं तो मुझे ई कॉमर्स के लिए वो एक्टिविटीज अलग से बताने की जरूरत नहीं है एंड वाइस वर्सा जब मैं ई e कॉमर्स की बात कर रहा हूं यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा हूं या उन एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं जो ई कॉमर्स के अंडर फॉल करती हैं तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ई e बिजनेस में वो सारी भी यूटिलाइज हो रही होंगी इसका मतलब कतन ये नहीं है इसकी जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेसिस हैं वो आजकल मार्केटिंग के लिए ई मेल यूज करते हैं कभी न्यूज लेटर को सेंड कर दिया कभी कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर दी कभी कोई सक्सेस स्टोरी सेंड कर दी या uh, कभी कोई मार्केटिंग का uh, जो uh, जो स्टफ है वो सेंड कर दिया तो अब आप या, अब यहां पे देखें कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थिंग रिलेटेड टू पेमेंट मैं ऑनलाइन पेमेंट की बात नहीं कर रहा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कदता जिक्र नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक्स कंपनी है उसके ये वाई प्रोडक्ट है मेरे ई बॉक्स में वो ब्रूशो की फॉर्म में आ गए या सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में आ गए एंड सो ऑन सो हेड नाउ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एज एन अनेबलर तो दिस इज ई कॉमर्स लेकिन जो ई uh, कॉमर्स e वाली चीजें हैं उसके अंदर भी हम ईमेल यूज करते हैं यानी फॉर एग्जांपल अलीबाबा है या एमेजॉन है वो भी अपने कस्टमर से बातचीत करने के लिए ई uh, मेल ही यूज करते हैं तो वॉट इज ई मेल ई मेल इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सो अब जिस तरह ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि अब आप नाउ जस्ट लुक एट द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड यानी जो ई बिजनेस सिस्टम है और जो ई कॉमर्स सिस्टम है उनके एरो देखें टॉप पे दोनों ऑपोजिट साइड के ऊपर है ऑपोजिट साइड से मुराद ये है कि दीज आर डीलिंग विद टू टोटली डिफरेंट थिंग्स यानी लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक सप्लायर है और राइट right साइड के ऊपर हमारे पास एक कस्टमर है लेकिन जो चीज ई बिजनेस को और इस ई e कॉमर्स को आपस में बाइंड कर रही है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर वो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू सप्लायर और जो कस्टमर है दीज गाइज आर टॉकिंग टू ईच अदर तो आप ये समझें कि वो चीज जो दोनों को जेल टुगेदर कर रही है दोनों कौन है ई बिजनेस सिस्टम है और कॉमर्स e सिस्टम है दोनों में जो चीज कॉमन है वो बेसिकली आप समझे एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है एक टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है आप ये समझे, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है कोई वेबसाइट है कोई वेब पोर्टल है जिसके थ्रू दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं अब दोनों कौन है हमें ये लग रहा है कि दोनों एक सिस्टम ऑफलाइन है जो कि ई बिजनेस है और एक सिस्टम ऑनलाइन है यानी एक वेबसाइट है, जो ई e कॉमर्स है, ऐसा नहीं है. These two are supplier and customer. क्योंकि चाहे बिजनेस ऑनलाइन हो या बिजनेस ऑफलाइन हो सप्लायर ने कोई चीज सप्लाई करनी है यानी कोई वेंडर है और जो कस्टमर है उसने कोई चीज परचेस करनी है जो कंज्यूमर है तो Enabler के तौर पर जो चीज काम करती है दोनों के अंदर दैट इज एक्चुअली द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेक्नोलॉजी अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज बीच में से पुल कर दू ना तो दोनों सिस्टम को मैं सेपरेटली ट्रीट कर भी सकता हूं नहीं भी कर सकता लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है तो जो चीज दोनों को बाइंड कर रही है यानी आप ये समझें जो छोटा केक है बड़े केक के अंदर जो छोटा पीस है जो वो चीज जो छोटे केक पीस को बड़े केक पीस का पार्ट बना रही है हमारे केस में दैट इज द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंटरनेट है जो दोनों को आपस में बाइंड कर रही है